सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी सेकंड का जो पाठ चौथा है सर्वनाम प्रनाम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रनाम, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने संज्ञा पढ़ लिया था, वचन पढ़ लिया था, लिंग पढ़ लिया था, अब क्या है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द, अच्छा सर्वनाम शब्द की आवश्यकता, सर्वनाम क्या है, तो उसके लिए मैं आपको पहले तो एक वाक्य पढ़ूंगी, तो जिसमें आपको कुछ देखना है कि जैसे मैं एक लड़की का नाम लिखी राधा है, लड़की है राधा, तो राधा बहुत अच्छी लड़की है, फिर राधा अच्छा डांस करती है, राधा अच्छा नाचती है, राधा अच्छा गाती है, राधा का स्वभाव बहुत अच्छा है, राधा बहुत सुंदर है, राधा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो मैं सारे शब्द में, सारे वाक्य में राधा राधा शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, जैसे राधा अच्छी लड़की है, राधा बहुत सुंदर है, राधा अच्छा नाचती है, राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है, विद्यालय जाती है, तो सब में राधा राधा का प्रयोग किया तो अच्छा नहीं लगता। सब में एक चीज का, यानी कि जो नाम है उसका बार 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 प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कैसे बोलूँगी राधा अच्छी लड़की है, वह रोज प्रति वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, वह बहुत सुंदर है, वह अच्छा नाचती है, वह अच्छा गाती है। तो वह शब्द बोला मैंने, क्या बोला वह, तो वह किसके लिए आया था, राधा के लिए आया था, राधा के लिए आया था। तो संज्ञा, राधा क्या है, संज्ञा शब्द है, क्या है संज्ञा है, व्यक्ति वस्तु स्थान संज्ञा ही है, तो व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा राधा किसी लड़की का नाम है तो वो क्या होगी, संज्ञा होगी। तो संज्ञा के बदले में जो काम आ रहा है, संज्ञा के बदले में अपने वह लिया, राधा के बदले में वह शब्द ही प्रयोग किया, तो वह शब्द है वो क्या कहलाएंगे सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं। जो संज्ञा शब्द है उसका बार 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 प्रयोग पुनरुक्ति नहीं होती है, बार बार उसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो उसके बदले में जो दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम का होता है। तो संज्ञा के बदले में जिस संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाते हैं सर्वनाम। तो इसमें आप परिभाषा क्या लिखेंगे, संज्ञा के बदले में जो कार्य आते हैं या जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द गाती है, राधा बहुत अच्छा गाती है।
वह शब्द लिख दिया कि वह है वो क्या है सर्वनाम कहलाता है कि बार बार उसका नाम ना लेकर उसकी जगह कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया वह तो ये क्या कहलाया सर्वनाम कहलाया। और सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं, सर्वनाम के सात प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? सात भेद हैं। जैसे अपने लिंग और वचन के दो दो थे वैसे किसी सर्वनाम के कितने हैं प्रकार? सात है। कौन कौन से आप देख लेना सर्वनाम के प्रकार। जा रहा है तो वह कौन है? तो वह में क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह
इसमें है या नहीं अपने को निश्चित नहीं है, तो उसमें क्या आएगा अनिश्चयवाचक। जैसे कुछ पानी पड़ा है या कुछ आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है, किसी के पेड़ों की पैरों की खटखटाहट, तो कोई आया है, कौन आया वो पता नहीं है। दरवाजे पर बेल खटखट हो रही है तो कोई आया है, पर कौन आया वो पता नहीं है, तो अनिश्चय है। तो उसमें क्या आएगा अनिश्चयवाचक में कोई है कुछ है, वो शब्द किसमें आएंगे अनिश्चयवाचक में आएंगे। इसी तरह संबंध, संबंधवाचक में अब क्या आएगा कि दो को जोड़ने का आता है, किसी भी शब्दों को वाक्य और उपवाक्य दोनों को जोड़ने संबंध बताते हैं इसमें। जैसे जो कठिन परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो ये कार्य करेगा तो वह निश्चित ही आप बहुत सारा पढ़ोगे तो आप निश्चय ही पास हो जाओगे, निश्चित ही आपके अच्छे अंक आएंगे। तो दोनों शब्दों को आप पढ़ोगे तो ही ये होगा, तो ये क्या कहलाया संबंध बताया कि आप ये काम करोगे तो ही आपको ये मिलेगा। किसी का किसी के साथ संबंध बताया तो जो वह, तो ये शब्द किसमें आएंगे आपके संबंधवाचक में आएंगे। प्रश्नवाचक में किसी को कौन क्या, ये किसी शब्द में किसी वाक्य में ये शब्द आ जाएगी, कौन है, कौन आया, कौन क्या क्या कहा आपने, किसने कहा, क्यों, क्या, किसने, कौन, ये प्रश्नवाचक जो रहते हैं शब्द वो कहीं वाक्य में आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। निजवाचक सर्वनाम में आप जाके देखोगे कि जैसे तुम खाना अपने आप खा रहे हो, क्यों खाते हो, जो अपने स्वयं कार्य करते हैं वो निजवाचक में आता है, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं स्वयं देखूंगा, मैं स्वयं ये कार्य करूंगा, मैं खुद लिखूंगा, तो ये शब्द किस में आगे अपना है स्वयं, मैं स्वयं खुद, ये शब्द आएंगे किस में आएंगे निजवाचक में आएंगे कि मैं स्वयं करूंगा, मैं खुद करूंगा, ये मेरा है अपना है, तो अपने के लिए क्या आएगा निजवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक में ये मेरी पुस्तक में मीठे आम है, तो इसमें वे शब्द हैं, यह शब्द है, वो संकेतवाचक में आएंगे। इसका अपन पूरा डिटेल में अपन कल पढ़ेंगे, यहाँ तक समझा दिया। अब इसमें पुरुषवाचक में तो आपको बता दिया कि पुरुषवाचक में तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष जो बोलता है, वक्ता है, यानी कि वो जो बोल रहा है वो किसमें आएगा उत्तम पुरुष आएगा। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष में आएगा। और अन्य पुरुष में जो जिसकी बात अपन यहाँ पर खड़े खड़े हैं, इनमें बैठ के किसी और की बात कर रही हो, तो वो अन्य पुरुष है जिसकी बात अपन यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, सामने वाला श्रोता है वो तो मध्यम पुरुष हो गया, और जिसकी बात कर रहे हैं मैं आपके सामने जिसकी बात कर रही हूँ वो अन्य पुरुष है। आ गया समझ में, अन्य पुरुष में वह, वे, कोई, वह था, उसका, उसने ये किया, इसने ये किया, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तुम, तुम्हारा, तो ये शब्द किसमें आएंगे मध्यम पुरुष में, मैं, मेरा, तो ये शब्द किसमें आएंगे उत्तम में, यानी कि मैं मेरा बोल रहा हूँ तो मेरा, हमारा, ये शब्द किसमें आएंगे उत्तम पुरुष में आएंगे। आ गया समझ में, निश्चयवाचक में तो वही था, तो ये वाक्य नहीं, यह वही पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा, वह यही पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह है शब्द, तो वो किसमें आएंगे निश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक में कोई आया है, कुछ लाओ, कुछ खाया, तो कुछ शब्द है वो अनिश्चय, कुछ खाना है तो निश्चयवाचक में आएंगे। संबंधवाचक में क्या आएगा कि दो को जोड़ना, कि मैं अगर जल्दी उठ जाता तो मेरा ये काम हो जाता, अब सुबह में कोई जल्दी उठ जाता नहीं, कहीं कोई लेट हो गया हो तो मैं जल्दी उठ जाता तो मेरे को स्कूल की बस मिल जाती, या मैं लेट उठा तो मेरा ये नहीं हुआ, तो अपन सोचते कि अगर मैं थोड़ा सा भी जल्दी उठ जाता तो मेरा ये काम भी हो जाता और स्कूल भी जल्दी पहुंच जाता। तो ये बीच में जो शब्द संबंध जोड़ता है, जो, वह, ये शब्द संबंध जोड़ते हैं तो क्या कहलाएंगे संबंधवाचक में आ जाएंगे। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसका, ये किसी वाक्य में आ जाते हैं तो वो प्रश्नवाचक में आ जाते हैं। निजवाचक में ये मेरा है, तो निजवाचक में क्या आ जाएंगे, मैं काम स्वयं करूँगा, मैं खुद से खा लूँगा, मैं खुद से ही कार्य कर लूँगा, मैं स्वयं अपना कार्य कर सकता हूँ, तो स्वयं अपना, तो ये शब्द किसमें आएंगे निजवाचक में आएंगे। संकेतवाचक में मैंने आपको बता दिया था कि किसी की ओर संकेत करना, कि वे आम मीठे हैं, दूर से कहते हैं किसी को, किसी की ओर संकेत करते हैं तो वो संकेतवाचक में आ जाएंगे, कि वह बहुत अच्छा दिख रहा है, या वह वहाँ से ये पूरा नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है, तो वह
संकेतवाचक में आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा और कल पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और समझा के फिर इसके प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। धन्यवाद।